हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल. माय चैनल नेम इज क्विक लर्नर्स. आई होप यू मस्ट बी लाइकिंग माय कंटेंट आल्सो. ओके, सो आज हम लोग क्या इंटरेस्टिंग पढ़ने वाले हैं. अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था, अपनी ट्रिक्स पढ़ी थी, वो भी तीन पार्ट्स में. ठीक है, अब वो ट्रिक्स खत्म. अब हम लोग पढ़ेंगे जो मेन हमारा पेपर में आता है. ठीक है ना, अब हम लोग अपना पेपर को क्रैक करने की कोशिश करेंगे. तो सबसे पहले एक बहुत ही अच्छे टॉपिक से मैंने शुरुआत की, जो पेपर में आता ही आता है. यू मस्ट बी फेमिलियर विद दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. आपको याद है कि हाँ भैया, बैंक पीओ में दीदी हमने ये क्वेश्चंस देखे तो है ना? करेक्ट, देखे हैं. और बहुत ज़्यादा आते हैं, मतलब लाइक 5 तो मिनिमम आते ही आते हैं ऐसे क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशंस के. और ऐसे ही कुछ अजीब अजीब सी परसेंटेजेस लिखी होती है जो हमें सॉल्व करनी नहीं आती. सो अब मैं इसकी बताऊंगी, इसकी भी कुछ ट्रिक्स होती है और बहुत सिंपल, सिर्फ एक ही ट्रिक्स है. लाइक आपको वो सब में यूज़ होगी, परसेंटेज चैप्टर में यूज़ है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में यूज़ है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, आप कोई भी चैप्टर ले लो, आपको ये जो ट्रिक मैं आज सिखाऊंगी ना, वो सब में यूज होती है. एंड दे दीज ट्रिक्स आर वेरी नाइस. मतलब ये जो ट्रिक है ना, ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने हर पेपर में लगाया है एंड हर पेपर में सक्सेसफुल होता है. अगर आपको बैंक पीओ, एसएससी, ये सब कुछ भी क्लियर करना है, तो ये वाली ट्रिक तो जो मैं आज सिखाऊंगी, ये तो आनी ही आनी चाहिए, वो भी बाय हैंड. मतलब कुछ भी वैल्यू पूछू ना किसी परसेंटेज की, तो एकदम हाथों हाथ निकाल दो, वैसी स्पीड होनी चाहिए. ठीक है, सो आज हम लोग पढ़ते सिंप्लीफिकेशन बेस्ड ऑन परसेंटेज. इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल बैंक पीओस, क्लर्क, एलआईसी, एओ, एसएससी, रेलवेज एंड और भी बहुत सारे एग्जाम्स. ठीक है ना, तो कोई भी एग्जाम हो जिसमें मैथ्स आती है, उसमें ये टॉपिक आएगा ही आएगा. मतलब देर इज नो डाउट टू थिंक अबाउट इट कि ये नहीं आने वाला. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले था मेरा, दैट इज 66.25% ऑफ 160 प्लस एक्स इज इक्वल टू 116. इसको सिंप्लीफाई करो, फिर इसके बाद इसको भी सिंप्लीफाई करना, फिर इसके बाद इसको भी सिंप्लीफाई करना. तीनों को पहले खुद सिंप्लीफाई करके देखो कि तुम, और टाइमर सेट कर लेना है प्लीज़, कि कितनी देर में ना तुम लोग आंसर निकाल पा रहे हो इस क्वेश्चन को एकदम नॉर्मली सिंपली सॉल्व करके. और फिर मैं बताऊंगी कि ट्रिक से मैंने इसको कितनी जल्दी निकाला. ठीक है ना, हार्डली टू हार्डली, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन जो है, हार्डली आई एम टेलिंग यू, दे ऑल विल टेक योर 2 मिनट्स. अमेजिंग ना, कि 2 मिनट में ये भी, ये दो मिनट खत्म. और इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर्स में नहीं आते, ये आपके सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैं आपको करवा रही हूँ. ये एकदम मास्टर क्वेश्चन है तीनों के तीनों. ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये रिपीट हो सकते हैं. मतलब आई मीन टू से रिपीट इन द सेंस कि ये परसेंटेजेस जो है ना, ये परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जितनी मैंने इसके अंदर परसेंटेज ली है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट परसेंटेजेस है फॉर द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, पहले ट्रिक समझते हैं, उसके बाद वी विल कम बैक टू दिस क्वेश्चन. आई होप आप लोगों ने कर लिया. प्लीज पॉज द वीडियो एंड डू इट. ओके, आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम कि मैं आप वेट करूं. आप बस पॉज कर लो एंड सॉल्व करके मुझे बताना कि क्या आंसर आया कमेंट बिलो. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले अपनी ट्रिक सीखते हैं कि हमारी ट्रिक क्या है, उसके बेस पे वी विल डू. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अ ट्रिक. सो दैट इज नॉट इवन, आई कैन नॉट कॉल ट्रिक, आई कैन ऑल्सो कॉल इट कॉन्सेप्ट, क्योंकि इन द एंड हम लोग कुछ शॉर्टकट नहीं लेने वाले, हम लोग एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट से ही एक चीज़ बना रहे हैं. ठीक है ना, सो नाउ लेट्स स्टार्ट इट. अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूँ तो मेरा सबसे पहले परसेंटेज की बात कर रहे हैं हम लोग, दैट इज 1/2. कितना परसेंट होता है मेरा इस, ये फ्रैक्शन जो है अगर मैं परसेंट में कन्वर्ट करूँ तो कितना परसेंट होता है, दैट इज 50%. क्लियर, ये तो सबको पता है. देन 1/3, ये भी सबको पता होगा, 33, 1/3%. ठीक है, ये सबको पता है. 1/4, दैट इज इक्वल टू 25%. वेरी मच फेमिलियर. अगर आप लोग थोड़े से न्यू एक्सपीरियंट है तो शायद नहीं पता होगे, लेकिन हाँ अगर आप लोग 1-2 साल से तैयारी कर रहे हो तो यू मस्ट बी लाइक, ये तो रटे होंगे सबको कुछ कुछ तो. एंड देन 1/5, ये कितना होता है, 20%. अब होगा इम्पॉर्टेंट चालू, यहाँ ये तो सबको पता है इतने तो, ये चारों तो. अब इम्पॉर्टेंट चालू करता है, दैट इज 1/6, दैट इज इक्वल टू 16, 2/3%, एंड दैट इज इक्वल टू 16.66%. ठीक है, ये परसेंट होता है. मतलब डायरेक्टली अगर मैं पूछूं कि 1/6 कितना होता है फ्रैक्शन का, 1/6 परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो डायरेक्टली 16.66% डायरेक्टली आना चाहिए. ठीक है ना, इतना तो. नाउ 1/7, दैट इज योर 14.28%, एंड कैन ऑल्सो बी डन एज 14/2/7%. वन एंड द सेम थिंग. ठीक है, दोनों में से कोई भी पेपर में आ जाता है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है. दोनों में से कोई भी, ये या ये आ सकता है पेपर में, बहुत ईजिली आता भी है. नाउ 1/8, दैट इज इक्वल टू 12.5%. ठीक है ना,
1.9 में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कितना होता है 11 1/9%, दैट इज इक्वल टू 11.11%. ये आ गया 1/10, सबको पता है 10%, आई एम नॉट राइटिंग दैट. इफ यू वॉन्ट 1/10, दैट इज इक्वल टू 10% सिंपली. 1/11 बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज 9 1/11%, दैट इज इक्वल टू 9.09%. ठीक है ना, मैं ये वाला इसलिए लिख रही हूँ बिकॉज कभी कभी पेपर में ये भी पूछ लेते हैं, कभी कभी, नॉट ऑलवेज बट नॉर्मली ये आते हैं. ठीक है ना, पॉइंट्स डेसिमल वाले ज़्यादा आते हैं. नाउ 1/12, सो 1/12 क्या होता है, दैट इज 8 1/3% एंड दैट इज इक्वल टू 8.33%. नाउ 1/13, दैट इज 7 9/13%, दैट इज इक्वल टू 7.7%. आई होप कोई डाउट नहीं हो रहा होगा, एकदम क्लियर है. आप ये प्लीज नोट डाउन करते चलो, नोट डाउन करते रहना, साथ साथ याद हो जाएंगे. 1/14, ये कितना होता है, दैट इज 7 1/7%, दैट इज इक्वल टू 7.14%. ठीक है ना, 7.14% होता है ये 1/14. नाउ 1/15, दैट इज इक्वल टू 6 2/3%, दैट इज 6.66%. ठीक है, इसको हम ये लिख सकते हैं. नाउ 1/16, दैट इज इक्वल टू 6 1/4%, दैट इज 6.25%. तो ये है मेरी प्रॉपर एक लिस्ट परसेंटेज की, आप लोग देख सकते हैं, इसको प्रॉपरली नोट डाउन कर लो. अब हम शुरू करेंगे कि इस परसेंटेज की ट्रिक से मैं अपनी जो डिफिकल्ट हाई लेवल की जो परसेंटेज होती है वो कैसे निकाल सकती हूँ. ये तो कुछ लिमिटेड हमने सीख ली, हमें सिर्फ इतनी सीखने की जरूरत है, इससे ज़्यादा मत सीखना. दीज आर इनफ, ये यहाँ तक बहुत है, सफिशियंट है, मोर देन इनफ है. यहाँ तक सीख लो, उसके बाद मत सीखना. उसके बाद हम लोग अब सॉल्व करेंगे परसेंटेज को. ठीक है ना, अब हम लोग सिंप्लीफाई करना चाहेंगे अपनी परसेंटेज को. अगर मेरे पास क्वेश्चन है किस टाइप का, दैट इज क्वेश्चन मुझे अगर कोई दे दे 37.5%, तो हमें क्या करना है, हमें परसेंटेज पे फ्रैक्शन में जाना, बिकॉज फ्रैक्शन को काटना, लाइक ऊपर नीचे काटना आसान होता है, परसेंटेज को थोड़ा सॉल्व करना मुश्किल होता है. फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो इसको. अब 37.5% क्या हो जाएगा मेरे पास, खुद सोचो क्या हो सकता है. अगर आपको पता है तो मैंने आपको अभी एक चीज़ बताई है, दैट इज़ कि मेरे पास क्या है कि 12.5, अगर मैं 12.5% को इनटू 3 कर दूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके देखो कितना आएगा, दैट इज 37.5% ओनली, जो मैंने यहाँ पे लिखा है. इसका क्या मतलब है, 12.5 मेरा क्या था, ऊपर जाके देख लेते हैं 12.5 क्या है. 12.5 ये है, ये 1/8, ठीक है ना, मतलब 1/8 के इक्वल है. सो बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/8 इनटू 3, दैट इज 3/8. तो आंसर क्या आया हमारे पास, 3/8 हमारा क्या हो जाएगा, इस फ्रैक्शन का, इस परसेंटेज का फ्रैक्शन. इजी लग रहा है कि हाँ एकदम से, अब तो अगर यहाँ पे 16 या कुछ भी मल्टीप्लाई में लिखा होता तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता क्वेश्चन हमारा, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करना थोड़ा मुश्किल था बिना इन ट्रिक्स के या बिना इन कॉन्सेप्ट के. तो इट्स बेटर कि इसको लर्न कर लो, ये सब बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा. नाउ प्रोसीडिंग फर्दर, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. एग्जाम्पल क्या बनेगा, दैट इज 62.5%. ये भी कुछ 8 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब कि 1/8 समथिंग कुछ है. तो क्या बनेगा, दैट इज 12.5 इंटू 5, कितना आता है 62.5. ठीक है ना, सो दैट इज डायरेक्टली योर कितना हो जाएगा यहाँ से 5/8. इसका एक और तरीका है, और आप लोग यहाँ देख सकते हैं 6.25, दैट इज एक डेसिमल आगे क्या है 1/16. तो मुझे तो एक डेसिमल बाद चाहिए, मतलब कि आई कैन राइट एट 10/16, बिकॉज एक डेसिमल बाद चाहिए तो बस मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको रिड्यूस कर दो 5/8. ये भी मेरा आंसर है, कोई डाउट है. बहुत इजी लग रहा होगा कि हाँ दीदी कुछ मज़ा आ रहा है, कुछ इजी सॉल्व भी हो रहा है, इंटरेस्टिंग है ना. आई होप यू मस्ट बी फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग. एक और एग्जाम्पल, दैट इज 83 1/3%, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बैंक में बहुत ज़्यादा इस परसेंटेज को यूज़ किया जाता है. अब देखो यार, ये तो थे सिंपल वाले, इसे क्या करना, इसे थोड़ा ब्रेक करना पड़ेगा. किस तरीके से ब्रेक कर देंगे, जैसे कि अगर मैं लिख दूँ इस 83 को 50 + 33 1/3%, ठीक है ना, दैट इज 50 + 33 1/3%. इसका क्या मतलब है, 50% कितना होता है 1/2, वी ऑल नो. 33 1/3 कितना होता है 1/3, दैट इज एलसीएम ले लो, आंसर आ गया, दैट इज 5/6, ये आंसर हो गया. बस सिंपल,
हार्डली वन सेकेंड क्वेश्चन, हार्डली वन सेकेंड, समझ आ रहा है, मजा आ रहा होगा अब तो बहुत. नाउ नेक्स्ट एक और देखते हैं. 57 1/7%, इसे सिंप्लीफाई करो. ओके ये तो बहुत ही सिंपल है, जैसे 50% प्लस 7 1/7%. अभी हमने 7 1/7 पढ़ा था, क्या होता है मेरा, दैट इज 1/14. अगर नहीं याद तो प्लीज याद कर लो उसको, 1/14 था उसका आंसर. याद नहीं आया ना एकदम से, आई नो. सो दैट इज 1/14. सो दैट इज बस 14 का एलसीएम, तो यू विल गेट 14 का बस एलसीएम ले लेना, 8 आ जाएगा आंसर. तो दैट इज कटापिटी कर लो तो 4/7% एंड डन. ये हो गया इस पूरी अजीब सी परसेंटेज की वैल्यू. इंटरेस्टिंग मैन, मजा आ रहा होगा, आई होप सो. आगे चलते हैं, अब एक और लेते हैं. 66.25%, दैट इज 60 + 6.25. मैंने दोबारा से ब्रेक कर दिया, इस तरीके से ब्रेक कर दिया. सो 60 तो हम बहुत इजीली, 60% प्लस दिस, 60% तो बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है, वी ऑल नो 3/5 होता है. अगर नहीं पता तो बस नॉर्मल कर लो यार, 60/100, ये और ये जीरो कटा, 3/5 डायरेक्ट, ठीक है ना. मतलब जरूरत नहीं होती हर चीज़ में ट्रिक हो, ये सिंपली सॉल्व हो सकता है. एंड 6.25 वी ऑल नो 1/16 है, एलसीएम लिया आंसर, दैट इज 53/80. अब बताओ कोई डाउट हो तो, परसेंटेज में मज़ा आ रहा होगा कि हाँ ये मिल गई हमें कोई ढासूसी एक ट्रिक जो दीदी ने सिखाई, और मज़ा आ जाएगा अब तो, ये हो जाएगा पार पेपर. नाउ 35.72%, इसको किस तरीके से स्प्लिट करेंगे, इसको हम लोग माइनस में स्प्लिट करेंगे, दैट इज 50% - 14.28%. इस तरीके से हमने स्प्लिट कर दिया तो क्या आंसर आ जाएगा, बस 1/2, 14. ये क्या होता है 28, 1/7, ईजी, 5/14, एलसीएम लिया 14 एंड ये मेरा आंसर है, ईजी. आई होप कि अब कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा इस चीज़ के लिए स्पेशली. नाउ नेक्स्ट अगर मैं देखूँ तो लेट्स टेक एग्जाम्पल, 51.25%, दैट इज़ योर, इसको मैं स्प्लिट दी तो बहुत ईजी है, 50% + 1.25%, दैट इज इक्वल टू 1/2, 12.5 1/8 होता है, तो ये एक डेसिमल पीछे है, तो दैट इज 1/80, आंसर आ जाएगा 80 LCM एंड दैट इज 41 आंसर. सिंपल, आई होप सिंपल लग रहा हूँ. नेक्स्ट में प्रोसीड करते हैं, अब एक और देखते हैं. अब सबसे पहले आएगा 143.33%. नाउ यू विल से, अरे दीदी क्या कर रहे हो, बहुत डिफिकल्ट आ गया ये तो. डिफिकल्ट नहीं है, बस तीन में स्प्लिट करना है अब हमें, कैसे, 100 + 40 + 3.33, बस. 100 मुझे पता है 1% होता है, 40 सिंपली 2/5. अब मुझे पता है कि 33.3 इज इक्वल टू 1/3, मुझे एक डेसिमल आगे चाहिए, तो 1/30 आंसर. 30 एलसीएम ले लो, कैलकुलेट कर लो, 43/30 आंसर. मुश्किल तो नहीं है ना, इजी लग रहा होगा अब तो. एक और देखते हैं, जस्ट द लास्ट वन, और फिर मैं क्वेश्चन पे मूव कर जाऊंगी जो मेरा क्वेश्चन था मेन, दैट इज 281.81. इसको किस तरीके से स्प्लिट करें, अगर यहाँ पे आपको ऑब्जर्व हो रहा होगा, यहाँ पे एक 8181 लिखा हुआ है, ये यहाँ पे कुछ हिंट है मतलब, तो 200 तो अलग से लिख लो और 8181, तो 200/100 दैट भी परसेंट है, ठीक है, सारी वैल्यूज परसेंट में उसे याद रखना, तो दैट इज 2. अब 81.81, अगर आपको एक चीज का मैंने हिंट दिया हुआ है ऑलरेडी, दैट इज मुझे क्या पता है कि मेरा 1/11 कितना होता है, मेरा 1/11 है 9.09. अगर मैं इस 9.09 में इंटू 9 कर दूं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 81 पॉइंट, यहाँ पे भी 81, यस. अगर मैं यहाँ पे भी 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आ जाएगा मेरा, दैट इज 9/11. सो क्या बन जाएगा यहाँ पर, यहाँ पे मैं लिख दूंगी अपना आराम से, 9/11 आंसर आ गया, दैट इज 22 + 9, दैट इज 31 अब बताओ ये था सॉलिड, ये भी सॉलिड है ना, क्वेश्चन अच्छे. अब चलते हैं जो हमारा मेन क्वेश्चन था कि उसको कैसे सिंप्लीफाई करना है हमें, ठीक है ना. मेन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मेन क्वेश्चन जो था हमारा, जस्ट स्क्रोलिंग अप. ये ट्रिक्स प्लीज यार, इस कॉन्सेप्ट को, ट्रिक को, जो भी आप समझो इसको बस समझ लेना, याद कर लेना बहुत अच्छे से. अब हम करेंगे इस तीनों क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है. अगर मैं सबसे पहले ऑब्जर्व करूँ, यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, दैट इज 66.25%. इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो पहले सबसे पहले रफली इसको सिंप्लीफाई करते हैं. यहाँ पे आई एम, यहाँ पे सारा रफ वर्क एंड यहाँ पे मेन वर्क, ठीक है ना. मतलब ये वर्क जो होगा ये आपको लिखना नहीं है पेपर में, ये आप फिर भी लिख लो स्टार्टिंग में, बट एंड में मत, मतलब पेपर में मत लिखना प्लीज. तो 66.25
कैसे स्प्लिट कर सकते हैं इसको ये सोचो अब. दैट इज 60 प्लस 6.25. मिल गया ना हिंट, 6.25. और मैंने कहा था इसकी वैल्यू क्या होती है, 53/80. मैंने अभी नीचे सॉल्व किया है इसको. इफ़ यू वॉन्ट आई जस्ट शो यू, दैट इज दिस वन, ये वाला है ये. इसको मैंने जस्ट अभी सॉल्व किया था और ये कितना है, 53/80. क्लियर कि हाँ ये ट्रिक्स कैसे काम आती है. आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो पेपर में, ऑब्वियसली ये सारे मत लर्न करने बैठना, बस हाँ इसका ब्रेक पता होना चाहिए कि इसका ब्रेक क्या है, ठीक है ना. सो बस आप सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको. क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से मेरे पास आएगा 53/80 इंटू 160 प्लस एक्स इज इक्वल टू 116. इनको इनको कट कर दो, आराम से 2 आ जाएगा. 2 इंटू ये कर दो, कितना आ जाएगा, 116 प्लस एक्स इज इक्वल टू 116. यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से माइनस, तो एक्स इक्वल टू 1. ये है मेरा आंसर इस क्वेश्चन का. मुश्किल तो नहीं था, इजी था, आई होप इजी था. नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, 88 1/3% इंटू 144 प्लस 35.72%, एक और एक अजीब सी परसेंट, इंटू 168. अब कैसे सिंप्लीफाई करना है इसको, तो बस दोबारा से वही करना है, हमें दोबारा से अपना कुछ ना कुछ ब्रेक करना है. अगर आपको याद हो 88 1/3%, मैंने इसे कैसे सिंप्लीफाई किया था, दैट इज 50% प्लस 33 1/3%. बस ये टिक नहीं थी इसकी, तो बस 50% मेरा 1/2, 33 मेरा 1/3, दैट इज 5/6. अभी हमने पीछे सॉल्व किया भी है याद हो तो. सो बस यहाँ पे क्या आना था, 5/6 आना था मेरे पास. सो दैट इज इक्वल टू 5/6 इंटू 144 प्लस, इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, इसको भी सिंप्लीफाई ऐसे ही करना है सेम जैसे यहाँ पे किया हुआ है. जैसे कि यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, मैं यहाँ कर रही हूँ इसके लिए 35.72, दैट इज 50% माइनस 14.28%. यहाँ मैंने माइनस क्योंकि बिकॉज माइनस बनना बहुत सिंपली बन गया, तो दैट इज इक्वल टू 1/2 माइनस, ये कितना आ जाएगा अब मेरे पास, 1/7, दैट इज 5/14. मैंने अभी पीछे भी ये सॉल्व किया है, आई होप कोई डाउट नहीं होगा इसमें, ठीक है ना. सो बस अब लिख दो और सॉल्व कर दो क्वेश्चन को. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5/14 इंटू 168. अब कट कर दो जो वैल्यूज कट हो रही है, मुझे पता है ये कितने जाएगा 24 पे और ये कितने जाएगा 12 पे. इसके लिए 14 की टेबल आनी बहुत जरूरी थी वरना यहाँ पे अटक जाती सोई, ठीक है ना. तो 5 × 24 दैट इज इजिली 240 एंड 5 × 12 दैट इज 60. तो आंसर कितना हो गया, 180, ठीक है ना. तो आंसर क्या है, 180. आई होप एकदम क्लियर होगा कि हाँ 180 कैसे आया. सो ये मेरा हो गया आंसर इसके लिए. अब चलते हैं अपने थर्ड के लिए. थर्ड और मज़ेदार है, मतलब थोड़ा सा मैंने कॉम्प्लिकेट जरूर किया है बट आई वुड से कि इट्स अ मज़ेदार क्वेश्चन, इट्स अ गुड क्वेश्चन. यहाँ पे क्या है, 2818.81%. अभी मैंने इस परसेंटेज का हिंट भी दिया था, ऑफ दैट इज इनटू 1331 प्लस 51.25% ऑफ 160. अब कैसे, ये मेरा क्या वैल्यू थी, इसकी वैल्यू मैंने अभी बताई थी, तो अब मैं ये आप पीछे जाके देख लेना वीडियो में इसकी वैल्यू क्या थी. इसकी वैल्यू थी 31/11 इंटू, में तो डायरेक्ट लिख दो 1331 प्लस 51.25, वही 50 प्लस 1.25, याद है ना, 50 प्लस 1.25. तो बस वही सॉल्व करना है हमें, दैट इज मैं यहाँ लिख देती हूँ 50. अगर याद ना हो तो वैसे पीछे हम सॉल्व कर चुके हैं, 50 प्लस 1.25, और जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया था कैसे किया था, दैट इज डायरेक्टली माई 41/80. कैसे 1/2 ये बन गया था एंड 1/80 यहाँ से आ गया था, ठीक है ना. इजी, याद होना चाहिए, नीचे किया हुआ है, प्लीज़ यहीं याद तो जाके देख लो. तो बस 41/80 इंटू 160. आप वही अपनी काटा पीटी कर दो एंड सॉल्व कर दो क्वेश्चन. सो यहाँ से क्या आ जाएगा, 31 × 121 + 41 × 2, ठीक है. अब इसको सॉल्व करना है, आई एम जस्ट रबिंग दिस पार्ट ताकि मेरे पास स्पेस हो जाए लिखने के लिए, ठीक है, जस्ट गिव मी 2 मिनट. अब इसके लिए मैंने एक ट्रिक बता रखी है कि इतना बड़ा नंबर आ गया, ट्रिक से सॉल्व करना पड़ेगा, तो बस स्प्लिट कर देते जो मैंने थर्ड पार्ट में बताई थी आपको ट्रिक्स की, मल्टीप्लाई की, दैट इज 30 + 1 × 121, और इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बहुत ईजी है ये तो, 82. तो बस 30 कितना आ जाएगा 121 में, 30 मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा 3630 और 1 से मल्टीप्लाई कर दो, सो दैट इज 121. इनको उठा के ऐड कर दो, 3751. मैंने ये लिख के समझाया लेकिन ये आपको ओरली होना चाहिए, इतना वर्किंग माइंड में होना चाहिए, ठीक है ना. सो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3751 प्लस 82, कितना आंसर आ गया, दैट इज 3833. ये मेरा हो गया आंसर.
समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से, कोई डाउट नहीं होगा, ये हो गया मेरा आंसर. सो बस यही वर्किंग है बैंक, एसएससी बैंक में इससे मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता. दीज वर द गुड क्वेश्चंस, गुड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस. आई होप यू मस्ट हैव लाइक माय कंटेंट फॉर दिस वीडियो एंड आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट कि मैं इसको आपको एज सिंपल एज बना सकूं, जितना मैं बना सकती थी मैंने उतना सिंपल किया है इस चीज़ को. And I hope you must be liking it. And if you have any doubt, so please comment me below. Please mention that you want this topic or something. Thank you. And please study, guys. Please study. Your future is in your hand. Thank you.